डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने नई पहल करते हुए विकास पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के आगामी 5 वर्षों में डीडवाना में विकास कार्यों से संबंधित और योजनाओं की जानकारी दी। मीडिया से रूबरू हुए यूनुस खान ने कहा कि डीडवाना में मेडिकल शिक्षा, महिला सुरक्षा समेत क्षेत्र का विकास कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगा। अभी वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को सुदृढ़ करना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीने का पानी बीकानेर के नौखादैया से डीडवाना तक पहुंच गया, लेकिन उसकी आपूर्ति सही नहीं है, तो आपूर्ति को ठीक कर प्रत्येक गांव ढाणी तक उसको पहुंचाना। दूसरा, विकास विशेष रूप से रुक गया, जिसमें 300 बेड का अस्पताल जो है उसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं होना और उपलब्ध सुविधाओं का सदुपयोग नहीं होना, तो ये एजेंडे में रहेगा कि कैसे सुदृढ़ हो। तीसरा, मेडिकल कॉलेज खुलवा करके और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करना।